जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के अंतर्गत न्यू आईटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप 12। मान लीजिए प्रश्न है, किसी धनराशि को दो वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। तदोपरांत उसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है छह वर्ष बाद उसी धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। नौ वर्ष की कुल अवधि में 1120 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धनराशि क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। इसे हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, यहां पर हमें फाइनली वह धनराशि अर्थात मूलधन ज्ञात करना है। समझते हैं, हम मान लेते हैं कि माना कि मूलधन पी रुपए है। अब समझिएगा, सबसे पहले किसी मूलधन को, किसी धनराशि को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। तो देखिएगा, इस मूलधन को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया, तो यह आ जाएगा 2 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट। तो यह आ जाएगा 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। समझिएगा, तो यह आएगा 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। तो पहला सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद तदोपरांत उसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, तो यह आएगा आपका दूसरा सिंपल इंटरेस्ट। अगली बार 6 वर्ष बाद उसी धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, तो यह आएगा आपका तीसरा सिंपल इंटरेस्ट। बराबर अंततः 9 वर्ष की कुल अवधि में
9 वर्ष की कुल अवधि में 1120 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो यह होगा फाइनली कुल सिंपल इंटरेस्ट। अर्थात तीनों सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो कुल सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिएगा, पहला सिंपल इंटरेस्ट मूलधन तो है पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4, समय है 2 वर्ष बटा 100। इसके बाद तदोपरांत उसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 2 वर्ष में 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया गया, अगले 4 वर्ष में 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो मूलधन है P into R 6%, समय है 4 वर्ष बटा 100 प्लस तीसरा सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष बाद यहां पर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है, P into 8%, और यहां पर कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए ऋण दिया गया है। तो देखिएगा, यहां पर ऑलरेडी 2 और 4 6 वर्ष हो चुके हैं, तो 6 वर्ष के बाद 9 वर्ष तक पहुंचना है, तो 7 8 9 अर्थात 3 वर्ष, 3 वर्ष तक यहां पर 8% का ब्याज लगा बटा 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट 9 वर्ष के अवधि के लिए दिया गया है 1120 रुपए। ध्यान दीजिएगा, यहां से कुछ भी एलिमेंट कॉमन होता है तो कॉमन कीजिए, जैसे कि 100 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर सकते हैं, 2 यहां से कॉमन हो रहा है, यहां भी 2 आ जाएगा, यहां भी 2 आ जाएगा, क्या 4 कॉमन हो पाएगा? यस, 4 कॉमन हो रहा है, यहां 4, यहां आसानी पड़ेगा इसलिए कॉमन कर लीजिए। तो यहां पर से पी इंटू 4 के अतिरिक्त और कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, क्या 8 कॉमन हो पा रहा है? तो 8 यहां से हो जाएगा, 8 4 दुनी 8, ये हो जाएगा 4 दुनी 8, तो ये हो जाएगा पी इंटू 8। आसानी से सॉल्व करने के लिए आप कॉमन ले लीजिए, यहां पर बचेगा 4 दुनी 8 पी बटा 100 कॉमन हो गया, तो बचेगा 1 प्लस यहां से 4 दुनी 8, 2 यहां से निकालेंगे तो यहां बचेगा 3 प्लस यहां से 8 कॉमन हो गया तो यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3। ध्यान दीजिएगा, बराबर 1120 यह आ जाएगा फाइनली, यह आएगा आपका P इंटू 8 बटा 100, यहां 3 और 3 6 और 1 7, तो इंटू 7 बराबर यह आ गया 1120। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप काट सकते हैं 2 से 2 चौक 8, 2 पंचे 10 बचेगा 1, 2 छीका 12 0, 4 से 4 4 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 चौक 16 140, 7 से 7 दुनी 14 20, तो मूलधन बराबर आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 2 एकम 2 2000 रुपए, तो यहां पर मूलधन आएगा आपका 2000 रुपए। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी धनराशि को 3 वर्ष, किसी धनराशि को 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, तदुपरांत उसी धनराशि को 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, 8 वर्ष बाद उसी धनराशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, 11 वर्ष की कुल अवधि में 8160 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धनराशि क्या होगी? मैंने मान लिया वह धनराशि पी है, तो यहां पर 3 बार सिंपल इंटरेस्ट लगेगा जो कि कुल सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। पहला सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया, तो P इंटू R की वैल्यू 6 इंटू, समय है 3 वर्ष बटा 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट दूसरा 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया, तो P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9, समय 5 वर्ष बटा 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पी इंटू आर। ध्यान दीजिएगा, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक पहुंचना है, तो 8 9 10 11 3 वर्ष के लिए,
तो यहां पर तीन वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13% इंटू तीन वर्ष बटा 100 बराबर 11 वर्ष की कुल अवधि के लिए सिंपल इंटरेस्ट है 8160। ध्यान दीजिएगा जो कॉमन निकल रहा है कॉमन कीजिए, यहां से तीन होगा, यहां भी तीन है, 9 में यहां भी तीन है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो P इंटू तीन बटा 100 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा यहां पर 6 प्लस यहां से तीन हमने कॉमन किया तो 5 × 3 = 15 प्लस तीन कॉमन किया तो यहां बचेगा 13 बराबर 8160। आगे सॉल्व कीजिए, यहां बचेगा P इंटू थ्री इंटू बटा 100, यहां पर देखिए यह आ जाएगा आपका आपका 13 × 26 = 27 28 28 29 30 31 32 33 34 तो यह आएगा कुल 34 बराबर 8160। तीन से काट सकते हैं, तीन दूनी छे बचेगा 2, 3 × 7 = 21 3 × 2 = 6 यहां पर आप काट सकते हैं, 2 से काटिए, 2 × 2 = 14 दो एकम दो तिया छ बचेगा 1 × 2 = 12 सत्रह से ये कटेगा, 17 × 7 = 56 होता है, 8 से मल्टीप्लाई करके देखिए 8 × 8 = 56 8 × 1 = 5 13 तो यह आ जाएगा 17 से ये 8 बार में कटेगा 80 आ जाएगा, तो देयर फोर मूलधन बराबर यहां पर आएगा 8000 रुपए तो यहां पर वह अभिष्ट मूलधन होगा 8000 रुपए।